टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी इस टाइम पर रहमतपुर के बाजार में हूँ। मार्केट में ऐसे हकीम इलाज वाले बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ये देखिए लगा करके बैठे हुए हैं। दो चार लोग को ताप के ही जाते हैं यहाँ से। ऐसा मार्केट मार्केट में जानवर भी बहुत सारे आया करते थे, बट ये अभी कुछ सालों से बिल्कुल ही बंद हो गया है। यहाँ पर जानवर बंद हो गए। सब्जी मार्केट रहता है इधर, फिश और ये सब मुर्गा, ये सब का मार्केट। पेट को कुंदन बना देगी ये टीम। आ जाओ दोस्तों हमारी गाड़ी और ले जाओ, पेट को सही रखना है। मार्केट तो हो गया, सब यहाँ से रिटर्न चला जाए। ये कि इनसे लोग चूरन और मेडिसिन ये सारी चीजें लेकर के भी जाते हैं एक्चुअली, और लोगों को बहुत सारे लोगों को फायदा भी, बट मुझे नहीं लगता मेरे हिसाब से, बट लोग बोलते हैं कि फायदा है। भीड़ लग गई है लेने के लिए दवा। सब फटाफट नाश्ता किया जाए। क्या बना है? एक इन्विटेशन है तो जा रहे हैं वहीं पर ही। थोड़ा तो जाना है शिवपुरी गाँव के पास में, तो वहाँ चलते हैं। शिवपुरी में आ गया हूँ, सो थोड़ा काम है वो कर लेता हूँ। तो वेट कर रहा हूँ तब तक मैं आपको यहाँ पर खड़ा हूँ। आप खेत के एरिया में हूँ तो दिखाता हूँ। थोड़ा के एरिया में हूँ और ये उसी पास में ये तालाब है और ये बागीचा है। सो यहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेलने आया करते थे जब भी होता था इस जगह पर। तो गया सो अब यहाँ से चला जाए वापस घर की तरफ। कुछ वुलन कपड़ा नहीं पहना, इनफैक्ट सर्दी लग रही है काफी। इस टाइम मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी सर्दी हो, बट काफी सर्दी है, गाड़ी चलाने में लग रही है। पहले घर गया एंड घर में मालूम चला, घर वालों ने बोला कि थोड़ा सा आटा पिसवाने जा रहा है। सो अभी चेक किया आया तो मालूम चलता है लाइट ही नहीं है यहाँ की लाइट का। अब देखते हैं, वेट कर रहे हैं लाइट आए सो तब आटा पीसा जाएगा यहाँ पर। एंड सर्दी भी काफी हो रही है, इनफैक्ट रात का टाइम है और मैं जैकेट पहन कर आया हूँ इसीलिए। ये मुबारक दिखा दे, मुबारक ले लो बड़े भैया। हाँ 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 लिख लो भाई। लिखे नहीं जान कहेंगे लिखा नहीं जान। हो गया शक्ति वाले बहनी चोद है। आसपास में कहीं पर भी लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा पड़ा हुआ। इनफैक्ट मैं मेन रोड में हूँ सो यहाँ का ये हाल है। चलिए अब लाइट आ गई है, जल्दी पेस जाएगा। करेगा अभी मुश्किल से 6:15-6:30 हो रहा होगा। यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। अब स्टार्ट हो गई, जल्दी मेरा नंबर लग जाएगा। एंड अब वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से पिस जाए और घर चला जाए, बिकॉज की सर्दी बढ़ती जा रही है। मेरे लिए पिस गया और अब चला जाए सर्दी। सोचा बिल्कुल अभी अभी आया हूँ मैं एंड अभी इनफैक्ट बज रहा है 7:30 ही बज रहा है। बेड बाहर देख करके ऐसा लग रहा है जैसे 11-12 बज रहे हैं। डिनर करके डेयरी साइड आ गया हूँ और अब थोड़ा सा डेयरी में ये दरिया भिगोना है, पर इसे दरिया जो है रात में भिगो दो तो इससे दूध में काफी अच्छा रिजल्ट आता है दरिया से। तो इसको पहले रात में भिगो देते हैं, इसको भी कैल्शियम के साथ मिक्स करके इसको दे दूंगा। कभी सारा काम हो चुका है एंड अब चला जाए और सोया जाए। इनफैक्ट टाइम काफी हो चुका है, अराउंड 10 बज रहा है। सो अब चल के सोते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।